Welcome there. In this lesson I will discuss with you second essay of second book of intermediate part 2. The name of the essay is Using the Scientific Method. This essay Using the Scientific Method is written by Daryl Bernard and Lon Edwards first of all we will get introduction about the writers daryl bernard and lon edwards daryl bernard was a chairman of department of science education and school of education in university of new york he was an organizer a writer and teacher he did marvelous work in the science education field वियर हैज़ लॉन एडवर्ड्स वॉज द चेयरमैन ऑफ साइंस डिपार्टमेंट इन डैनबरी स्टेट टीचर्स कॉलेज द रोट ऑ वंडरफुल बुक नेम्ब द न्यू बेसिक साइंस इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स विद कोलेबोरेशन दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दोनों ने मिलकर उन्नीस सौ छप्पन में एक हैरान कन किताब लिखी जिसका नाम था द न्यू बेसिक साइंस now let's know about the book the new basic science written by daryl bernard and lon edwards this book has three chapters first chapter is science in everyday life this chapter has two parts first part is meaning of science second part is using of the methods of science अब फर्स्ट चैप्टर जो है उसका जो सेकंड पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा करंट ऐसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड साइंसी तरीके का इस्तेमाल इसी पार्ट पर जो है वो बेस करता है सेकंड चैप्टर इज़ अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ थर्ड चैप्टर इज द यूनिवर्स साइंटिफिक मैथड वाट इज़ साइंटिफिक मैथड इट इज़ अ मैथड ऑफ़ रिसर्च ये तहकीक का वो तरीका है इन विच अ प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइड जिसमें सबसे पहले मसले की निशानदेही की जाती है रेलिवेंट डाटा आर गैदर्ड इससे रिलेटेड जो मवाद होता है उसको इकट्ठा किया जाता है अ हाइपोथिस इज़ फॉर्मोलेट हाइपोथिस मीन गैस फिर इस जो इकट्ठा किया हुआ मवाद है इसको सामने रखते हुए एक अंदाज़ा लगाया जाता है हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च के एंड पर राइट right भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है एंड द हाइपोथेसिस इज़ एम्पेरिकली टेस्टेड अब जो हाइपोथेसिस है जो मफरूज़ा है उसको एम्पेरिकली टेस्टेड किया जाता है यानी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है साइंटिफिक मैथड नाव यू कैन सी इन द फिगर कि सबसे पहले हम जो है वो एक क्वेश्चन लेते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम उसके बाद क्या होता है हम डाटा क्लेक्ट करते हैं आफ्टर डैट उस डाटे की बुनियाद पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड आफ्टर डैट और सबसे एंड पे हम उसका कंक्लूजन जो है उसको ड्रॉ कर देते हैं सिक्स स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मैथड what are the six steps that are involved in scientific method step 1 ask a question step 2 form a hypothesis step 3 experiment step 4 observe and record step 5 analysis and step 6 conclusion we already have discussed these six point summary of the essay using the scientific method दिस इज़ अ फैक्चुअल एंड नॉन फिक्शन ऐसे बाई डैरन बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड्स फे फैक्चुअल का मतलब ये होता है कि ट्रू एंड नॉन फिक्शन कि ये अमेजनरी नहीं है अमेजिनेशन के ऊपर ये बेस नहीं कर रहा फिक्शन का मतलब हमें पता है कि लिटरेचर क्रिएटिड फॉर्म अमेजिनेशन तो इट मीन्स के इस ऐसे में जो कुछ भी है वो तखीलाती नहीं है बल्कि वो रियलिटी बेस है द रटर्स हैव एक्सप्लेन हाउ आवर लाइफ हैव बिन चेंज्ड बाई द यूज़ ऑफ सैंटिफिक मैथड यानी राइटर्स जो हैं उन्होंने हमें बताया है कि साइंसी तरीके के इस्तेमाल से किस तरह हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं

फूड uh, यानी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा गजा और बेहतर झजा और नंबर फोर बेटर एटीट्यूड इसका मतलब ये है कि बेहतर रवैया ना वी विल सी दीज फोर इम्पोर्टेंट फीचर्स इन डिटेल नंबर वन बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ इन पास्ट यानी माजी में बीमारियों पे कैसे कंट्रोल था सम ऑफ टू हंड्रेड ईयर्स अगो द सिचुएशन वॉज वेरी बैड कि अगर हम दो सौ साल पहले के हालात देखें तो बहुत बुरे थे सेवन आउट ऑफ एट बेबीज़ डाइट बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे यानी अगर आठ बच्चे पैदा होते थे तो उनमें से सिर्फ एक बचता था जो कि अपनी पहली सालगिरह को मनाता था यानी सात बच्चे जो थे उनकी डेथ हो जाती थी दोज हु सरवाइवड वर अटैकड बाई मैनी डेंजरस डिजीज सच एज मीजल्स स्माल पॉक्सिंग कफ स्कार्लेट फीवर एंड डिपथेरिया और जो बचाते थे वो भी लकी नहीं होते थे उन पर मुख्तफ किस्म की बीमारियाँ जैसे कि खसरा काली खांसी सुरख बुखार और खरनाक वो हमला करती थी लाइफ वजर्टन अब जो जिंदगी थी वह गैर यकीनी थी नो वन नो वट विल हैपन यानी किसी को ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर दैन थर्टी ईयर्स ऑफ द एज वॉज़ इन डीड फार्चुनेट वो शख्स बहुत खुशकिस्मत होता था जो तीस साल की उम्र से ज़्यादा ज़िंदा रहता था यानी ये बात नाकबिल यकीन है कि ऐसे हालात थोड़ा अर्सा पहले मौजूद थे नाव इन प्रेजेंट यानि अब हालात कैसे हैं साइंस हैज़ हेल्प्ड मैन इन कंट्रोलिंग वेरियस डिज़ीज़ साइंस ने हमारी मदद की है कि हम मुख्त बीमारियों पर काबू पा सकें नाओ बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर देर इज़ अ लिटल चांस ऑफ देयर गेटिंग अ डिज़ीज़ अब आज कल बच्चे हस्पताों में पैदा होते हैं जहाँ इन्हें बीमारी लगने का बहुत कम इम्कान होता है टुडे वी हैव लेटेस्ट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स मशीन्स ट्रेन डॉक्टर्स एंड स्टाफ एंड वैक्सीनस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ अब आजकल हमारे पास क्या है कि लेटेस्ट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं यानी हमारे पास जदीद आलात हैं मशीनें हैं हमारे डॉक्टर और स्टाफ जो हैं वो वेल ट्रेन हैं यानी तरबियत याफ्तः हैं एंड वैक्सीन्स ऑफ डिफरेंट डिजीज और मुख्त बीमारी के लिए जो वैक्सीन जो हैं वो मौजूद हैं टुडे पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट सेवेंटी ईयर्स ओल्ड आज एक शख्स तकरीबन सत्तर साल से ज़्यादा रहने की तो कर सकता है दूसरे लफ्जों में इंसान की जिंदगी की मतवो लंबाई में तीस साल से जायद का अजाफ़ा हो चुका है नंबर टू बेटर सैनिटरी कंडीशन सफ़ाई के बेहतर हालात इन पास्ट माजी में कैसे थे नैरो अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स शहरों की तंग कच्ची और ख़राब निकासी वाली गलियां आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन यानी बाहर जो गुसलखाने थे वो आम थे नो ड्रेनेज सिस्टम पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं था हाउस होल्ड गारबेज एंड अदर रफ्यूज़ वर्थ्रॉन इनटू स्ट्रीट्स घर का कूड़ा किट और जो दूसरे फाज़ल मादे थे वो गलियों में फेंक दिए जाते थे नाउ इन प्रेजेंट मौजूदा सूरत हाल कैसी है स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड आजकल हमारे जो शहर की गलियाँ हैं वो पुख्ता हैं और नक्का का इंतज़ाम बहुत अच्छा है नो गारबेज इस थ्रोन इंटू स्ट्रीट्स गलियों में कोई कूड़ा करकट नहीं फेंका जाता और इन्हें बाकायदगी से साफ किया जाता है देयर आर सैनिटरी डिपार्टमेंट सफाई के महकमे मौजूद हैं सीवेज इज कैरेट थ्रू सील्ड पाइप टू डिस्पोजल प्लांट्स यानी जो शहर के तमाम इलाकों से गंदा पानी है बंद पाइपों के ज़रिए तल्फ करने वाले मराक़ पर लाया जाता है यानी उन मराक़ पर लाया जाता है जहाँ पर गंदे पानी को ज़ाया कर दिया जाता है प्रॉपर सिस्टम ऑफ़ सप्लाइंग वाटर टू तो सिटीज़ शहरों को पानी एक प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए मुहैया किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर इज़ सप्लाइड टू तो लॉस एंजलीस थ्रू सील्ड पाइप इन अ मैक्सिमम क्वानटिटी यानी जो लॉस एंजलिस है उसने क्या किया कि पाँच सौ चालीस किलोमीटर दूर दरियाए क्लोरेडो से पानी एक नहर के ज़रिए शहर में ला कर पानी के मसले को हल कर दिया और ये पानी जो था ये नहर जो उन्होंने बनाई वो किससे बनाई एक पाइप लाइन के ज़रिए नंबर थ्री मोर फूड एंड बेटर फूड यानी ज़्यादा गज़ा और बेहतर गज़ा अब माजी में कैसे था पीपल कुड एंजॉय फूड्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर ग्रोइंग सीज़न यानी लोग जो थे वो फलों को गज़ा को या सब्जियों को आ, से लुत्फ़ उठा सकते थे लेकिन कब जिस मौसम में वो उगाई जाती थी यानी सब्ज़ियाँ थी या फल थे उनसे वो लुत्फ़ उठाते थे जैसे कि हम आजकल लुत्फ उठाते हैं लेकिन वो सिर्फ तब लुत्फ़ उठाते थे जब उनका मौसम होता था इन पास्ट पीपल प्रिजर्व देर फ्रूट वेजिटेबल्स एंड मीट्स अब माजी में लोग अपने फलों को सब्जियों को और गोश्त को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रिजर्व करते थे उनमें क्या क्या था पिकलिंग पिकलिंग का मतलब क्या होता है अचार डालकर कैनिंग यानी उनको डिब्बों में बंद करके, ड्राइंग उन्हें खुश करके सॉल्टिंग उन्हें नमक लगाकर और फ्रीजिंग यानि उन्हें, उन्हें मंजमद करके उन्हें सर्द खाने में महफूज करके सी फूड्स वर अवेलेबल ओनली अलोंग द कॉस्ट यानि सी फूड जो थे वो अवेलेबल थे समुद्री ख़ुराक जो थी वो मिलती थी लेकिन कहाँ पर सिर्फ साहिल के साथ साथ देयर वर नो हेल्थी वेस्ट और प्रिजर्विंग फूड्स कोई ऐसे तरीका नहीं था कि जिसके ज़रिए ख़ुराक को ज़्यादा अरसे तक महफूज किया जाए और वो महफूज की हुई खुराक सेहत के लिए अच्छी हो नाव इन प्रजेंट अब मौजूदा सूरत हाल क्या है नाव वी कैन इंजॉय फ्रूट वेजिटेबल्स एंड मीट थ्रू आउट द ईयर्स अब हम सारा साल सब्जियों फलों और गोश से लुफ्फ उठा सकते हैं वी कैन मेनटेन देर वैल्यू एंड टेस्ट बाई अडोप्टिंग डिफरेंट मैथड्स और हम हम उनके टेस्ट को और जो उनकी वैल्यू है उसको भी बढ़ा सकते हैं उसको कायम रख सकते हैं उन्हें तरीकों से महफूज करके वी हैव मोर एंड बेटर फूड यानी अब हमारे पास बेहतर गज़ा है ज़्यादा गज़ा है वी हैव बेस्ट मैथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन सच एज डिहाइड्रेशन एंड क्विक फ्रीज़ मैथड अब आजकल जो हम खुराक है जिसको हम महफूज़ करते हैं वो ज़्यादातर दो तरीक़ों से है डिहाइड्रेशन यानी उनका पानी जो है उसको खुश करके ड्राई करके एंड क्विक फ्रीज मेथड और यानी हम उनको फ्रीज करके साइंस हैज़ इंक्रीज दिल्ड ऑफ फील्ड साइंस ने फसलों की पैदावार को बढ़ा दिया है बाय प्रोवाइडिंग बेटर फर्टिलाइज़र टू फार्मर्स किसानों को बेहतरीन खाद मुहैया करके यानी जो खाद है वो अब अच्छी किस्म की है और उसकी वजह से फसलों की पैदावार भी बढ़ चुकी है नंबर फोर बेटर एटीट्यूड्स अब बेटर एटीट्यूड मीन बेहतर रवैया इन पास्ट माजी में रवैया कैसा था साइंस हैज़ चेंज्ड आवर एटीट्यूड बाई एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टू वर्ड सम आइडिया और सम इवेंट यानी बेहतर रवैया रवैये से हमारी मुराद क्या है किसी नज़रिए या वाक़े के बारे में हमारा अंदाज फ़िक्र आवर एनसटर्स वर सुपरस्टिशियस हमारे आबाजाद जो थे वो तोहम प्रस थे तो हम प्रस कैसे थे कि अगर उन्हें लगता था कि किसी किस्म का तवीज़ पहनना उनके बदकिस्मती से बचा सकेगा तो वो तवीज़ पहनते थे और अगर वो उसको नहीं पहनते थे तो दे फील अनकम्फर्टेबल तो उन्हें बेसुकुनी महसूस होती थी फीलिंग्स विच इन्वॉल्व बेसलेस फीयर्स आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस यानी ऐसे ऐसा जिन में खौफ शामिल हो वो तोहत कहलाते हैं पीपल वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर थर्टीन अब लोग जो थे वो ज़्यादातर काली बिल्लियों से टूटे हुए आइनों से और तेरह के अदद से डरते थे दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड फार्चून टेलिंग स्ट्रॉगली अब उनका पुख्ता यकीन था किस पर एस्ट्रॉलॉजी इम नजूम पर फ़ारचून टेलिंग किस्मत शनासी पर नाओ इन प्रजेंट मौजूदा सूरत हाल क्या है वी आर लेस फीयरफुल एंड मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग दैन आवर एन सिस्टर्स यानी हम अपने अबाजद से कम खौफ़दा हैं हमारे में उन जैसा खौफ नहीं है एंड मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग और जो हमारा अब सोचने का अंदाज़ है वो क्रिटिकल है यानी किसी भी बात पर हम ब्लाइंडली अब यकीन नहीं करते जब तक हमें यह पता ना हो कि उसके पीछे क्या रीज़न है सुपरस्टिशियस बिलीफ आर ओवर कम्प्ड बाई यूजिंग साइंटिफिक मैथड ये जो तोहम प्रस्ती वाले नज़रियात थे साइंटिफिक मैथड की वजह से इन पर काबू पा लिया गया है पीपल आर ओपन माइंडेड नाउ अब लोग जो हैं वो ओपन माइंडेड हैं यानी अब लोग जो है वो सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में उस पर यकीन करने से पहले साइंटिफिक मेथड हैज़ टॉट आज डैट देयर मस्ट बी अ साउंड बेसिस फॉर एवरी हैपनिंग साइंस ने हमें ये शऊर दिया है कि अगर कुछ होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है वी ओनली बिलीव इन थिंग्स सपोर्टेड बाय फैक्ट्स अब हम उन्हीं चीज़ों पर यकीन रखते हैं जो सपोर्टेड होती हैं किससे फैक्ट्स से यानी जिसके बारे में कोई सॉलिड किस्म का रीज़न दिया जाता है उसी चीज़ पर हम यकीन करते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग हैव नो इफ़ेक्ट्स ऑन देयर लाइफ जो इल्मे नजूम है और किस्मत शनासी है उनका अब उनकी जिंदगियों पर कोई असर नहीं है हाउ एवर तहम यानी हम ये नहीं कह सकते कि मौजूदा दौर में सारे के सारे लोग जो हैं उनकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल हो गई है और वो जब तक कोई लॉजिकल लॉजिक logic उनको नहीं दिया जाता वो चीज़ों पर यकीन नहीं करते हैं अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं बिलीव डैट डिजीज़ आर बाय इवल स्पिरिट्स कि अगर उन्हें किसी किस्म की बीमारी लगती है तो वो बदरूहों की वजह से है इवल स्पिरिट्स की वजह से है वी कैन टेक द एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को फिट्स पड़ते हैं इंस्टेड ऑफ के बजाय इसके कि हम ये पता लगाएं कि उसको ये दौरे क्यों पड़ते हैं हम क्या कहते हैं कि इस पर इल स्पिरट्स का असर है दो एस्ट्रोलॉजी एंड फार्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस अगरचे जो इल्म नजूम है और किस्मत शनासी है उन पर अभी भी अमल होता है दे डू नॉट इन्फ्लुंस द लाइफ ऑफ एज मैनी पीपल एज दे डिड इन पास्ट लेकिन उनका असर लोगों की ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि माजी में था नाउ वी विल टेक रिव्यू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड हैज़ मेड आवर लाइफ बेटर दैन आवर एंडसटर्स The use of scientific method has helped us in solving the problems of maintenance of health, production, and preservation of food. The use of scientific method has helped us in construction of houses and improvement in communication and transportation. Scientific method has brought change in our thinking. Now we have analytical thinking. Don't forget to like and subscribe our channel.